हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, आप लोगों के भी हाथ पांव में काफी ज्यादा सूजन आ जाती है तो आप लोग आज से ही इन घरेलू नुस्खों को अपना सकते हैं और अपने हाथ पांव में आई सूजन को कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सर्दियां शुरू होते ही ड्राई स्किन और बालों संबंधी परेशानियों के साथ साथ कई लोगों को हाथों और पैरों में सूजन की समस्या का सामना भी करना पड़ता है और ऐसा ज्यादातर बुजुर्ग लोगों के साथ होता है। ऐसे में उन्हें सूजन के साथ हाथ और पैरों पर होने वाली खुजली और दर्द भी सहना पड़ता है। ऐसे में वो लोग दवाइयों का सहारा लेते हैं और वो दवाइयाँ अपना असर कुछ ही देर के लिए कर पाती है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ होता है सर्दियों में, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी इससे बचने और राहत पाने के लिए आप लोग कौन सी ऐसी घरेलू चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप लोगों के हाथ और पैरों पे सूजन बिल्कुल भी न आए। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे घरेलू टिप्स बताऊंगी जिनकी मदद से आप लोग अपने शरीर में आए सूजन को सही कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला जो नुस्खा आप लोग फॉलो कर सकते हैं वो है सरसों का तेल। औषधीय गुणों से भरपूर सरसों का तेल खाना बनाने के साथ साथ हमें शरीर संबंधी परेशानियों से भी राहत दिलाता है। सर्दियों के मौसम में हाथ और पैरों पर होने वाली सूजन से भी ये हमें राहत दिलाता है। इसके लिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने रात को सरसों के तेल में सेंधा नमक, काली मिर्च डालकर हल्का सा गर्म करना है और इस तैयार मिश्रण को आप लोगों ने अपने हाथों और पैरों पर लगातार 4 से 5 मिनट तक मालिश करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप लोगों ने बाद में मोजे और दस्ताने पहन लेने हैं। इससे सूजन कम होने के साथ साथ इनमें होने वाले दर्द से भी आप लोगों को छुटकारा मिलेगा। आप लोगों ने रोजाना इस ट्रिक को फॉलो करना है और बहुत जल्दी आपके हाथों और पैरों में आई सूजन खत्म हो जाएगी। वही फ्रेंड्स, दूसरा जो टिप्स आप लोग फॉलो कर सकते हैं वो है प्याज का रस। प्याज हमारी स्किन से लेके हमारे बालों तक के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। इसमें पाए जाने वाले एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक तत्वों के कारण ये हमारी बालों से जुड़ी समस्याओं और हमारी स्किन से जुड़ी समस्याओं में राहत दिलाता है। इसके रस का इस्तेमाल करने से हाथ और पैरों पर होने वाली सूजन, खुजली और दर्द से भी हमें राहत मिलती है। तो आप लोगों ने क्या करना, रोजाना सुबह आप लोगों ने उठने के बाद प्याज का रस निकालना है एक कटोरी में और उस प्याज के रस को और उस कॉटन की मदद से आप लोगों ने उस प्याज के रस को अपने हाथों और पांव पे लगा देना है जहाँ पे आप लोगों की सूजन आई है। उसके बाद आप लोगों ने 1 घंटे तक इसे ऐसे ही छोड़ देना है। फिर आप लोगों ने गुनगुने पानी से अपने हाथ पांव को धो लेना है। ऐसा आप लोगों ने दिन में 1 से 2 बार करना है। अगर आप लोग रोजाना इस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आपके हाथ पांव की सूजन कम हो जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, तीसरी जो ट्रिक आप लोग फॉलो कर सकते हैं वो है नींबू का रस। सूजन की समस्या से परेशान लोगों को नींबू का रस निकालकर सूजन वाली जगह पर लगाने से काफी ज्यादा अच्छा फायदा होता है। आप लोगों ने बस कुछ नहीं करना है, एक नींबू को काटना है। अगर आप लोग उसका रस निकाल सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग उस कटे हुए नींबू को वैसे ही अपने सूजन वाली जगह पे घिस कर लगा लीजिए और कुछ देर के लिए उसे वैसे ही छोड़ दीजिए। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोगों के पांव और हाथ की सूजन काफी जल्दी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, चौथा जो आप लोग घरेलू नुस्खा फॉलो कर सकते हैं वो है हल्दी और ऑलिव ऑयल। जैतून के तेल में हल्दी मिक्स करके आप लोगों ने हल्का गर्म करना है और अपने सूजन और दर्द वाली जगह पे आप लोगों ने लगाना है। इसे भी आप लोगों ने रोजाना फॉलो करना है। ऐसे करने से आप लोगों की सूजन काफी जल्दी खत्म हो जाएगी। वही फ्रेंड्स, पांचवी चीज जो आप लोगों ने फॉलो करनी है वो है आलू। आप लोगों ने एक आलू को काट कर उस पर थोड़ा सा नमक लगाकर सूजन वाली जगह पर थोड़े समय के लिए रगड़ना है और उसके बाद आप लोगों ने गुनगुने पानी से अपने पांव धो लेना है। अगर आप लोग रोजाना ऐसा करते हैं तो काफी जल्दी आपके हाथ और पांव पे जो सूजन आई है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। वही अगला जो नुस्खा फ्रेंड्स आप लोग फॉलो कर सकते हैं वो है मटर। आप लोगों ने 1 से 1.5 कटोरी मटर लेना है और उस मटर में आप लोगों ने 3 से 4 गिलास पानी डालना है और फिर उसे उबालना है। उबालने के बाद फ्रेंड्स, आप लोगों ने पानी को गुनगुना होने तक छोड़ देना है और जब मटर का पानी गुनगुना हो जाए उसे 1 गिलास या लोटे में लेकर उससे अपने पांव की सिकाई करनी है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो काफी जल्दी आपके पांव और हाथ की सूजन कम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इन घरेलू नुस्खों को रोजाना फॉलो करते हैं, अगर आप लोगों के हाथ और पांव में सूजन आ चुकी है या सूजन आ रही है तो आप लोग बहुत जल्दी इस सूजन से निजात पा सकते हैं।
सो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी द्वारा बताई गई आज की ये इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, वीडियो को अपने फैमिली रिलेटिव के साथ शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो फ्रेंड्स मिलती हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।